हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BSTC कॉलेज रिपोर्टिंग के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक हैं उन सभी की जानकारी, उनकी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको शुल्क का चालान चाहिए होगा, जिसकी ओरिजिनल एवं 3 फोटोकॉपी, आवेदन पत्र ओरिजिनल और इसकी 3 फोटोकॉपी, कॉलेज आवंटन पत्र ओरिजिनल और उसकी 3 फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट और ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी, TC ओरिजिनल और उसकी 3 फोटोकॉपी, आधार कार्ड की आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी, बैंक खाता पासबुक की आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी और आपकी लेटेस्ट 3-4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको चाहिए होंगी, जाति प्रमाण पत्र की आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी, मूल निवास प्रमाण पत्र की आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी, आय प्रमाण पत्र की आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी, विकलांग होने की स्थिति में आपको उसका प्रमाण पत्र की 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी, तलाकशुदा विधवा एवं परित्यक्ता होने के प्रमाण पत्र की आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए होंगी। दोस्तों, एक बार मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट, जो आपको कॉलेज जब भी आप महाविद्यालय में उपस्थित होंगे रिपोर्टिंग करेंगे उस टाइम में जो सूची आपको वहाँ पे देनी है उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आवेदक द्वारा घोषणा का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए और सेकेंडरी समकक्ष के अंक तालिका की सत्यापित प्रति, यानी कि आपकी 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की आपकी जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए और 10th की जो मार्कशीट आपकी वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आपके पास होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। शारीरिक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति होनी चाहिए। विधवा महिला की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को न्यायालय द्वारा दिया गया डिग्री को प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित का प्रमाण पत्र जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। डाटा सहरिया से संबंधित प्रमाण पत्र की आपके पास सेल्फ अटेस्टेड प्रति होनी चाहिए और महाविद्यालय आवंटन पत्र की आपको प्रति वहाँ पर चाहिए होंगी। और दोस्तों, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसमें आप महाविद्यालय को अवगत करवा सकते हैं कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो महाविद्यालय में जमा करवा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।